हेलो फ्रेंड्स सुनास की ट्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे हम रेड कलर का रोज़ बनाना वो भी थोड़ा बड़े साइज तो में बनाएंगे मैंने पहले शेयर किया है छोटा सा लेकिन आज थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि जो हम थालपोस बना रहे हैं डक वाला उसमें इसको हम बीच में अटैच करेंगे तो थोड़ा बड़ा रहेगा थालपोस भी बड़ा है उस हिसाब से रोज़ हमको बड़ा बनाना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी वे में कैसे बना सकते हैं रोज़ का फूल तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे ठीक है ये देखिए इस तरीके से जैसे आप लगाते हैं वैसे लगाइएगा ये देखिए सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे और उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एक दो ये देखिए दो चिन्ह बनाए हैं ना तो इस तरीके से हम दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस देखिए इकतीस हमने बनाया ना इस तरीके से हम साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ चेन बनाते हैं सौ का थोड़ा बड़ा बनेगा तो हम सौ बना करके फिर दिखाते हैं आपको ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए हमने हंड्रेड का इतना देखिए इतना लंबा हमने बनाया है हंड्रेड चेन बनाया है ना देखिए इतना लंबा ये कितना लंबा है इतना लंबा है आप देखिए हमें इसको क्या करना है इसको हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से अब हम ऐसे लेंगे और देखिए दो स्किप करेंगे चेन को और थर्ड वाले में डाल के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया बनाया हमने फिर यहाँ पे एक और दो चेन लेंगे और फिर इसी जगह देखिए ऐसे यहाँ से हम डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे इस तरीके से अब देखिए यहाँ से हमको नीचे से तीन स्किप करना है चेन को और यहाँ पे हमें कोई यहाँ पे चेन नहीं लेना है सिंपल ऐसे ही दो स्किप करके तीसरे में ऐसे डाल करके ऐसे यू निकाल देना है इस तरीके से देखिए वी शेप बना लेना है उल्टा वी फिर देखिए यहाँ पे एक दो दो चेन लेंगे और फिर इसी में डाल के यहाँ पे हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे देखिए डबल क्रोशिया बना लिया फिर बिना चेन लिए देखिए नेक्स्ट वाला बिना चेन लिए ऐसे तीन दो स्किप करेंगे थर्ड वाले में डाल करके ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है ऐसे बना लिया फिर यहाँ पे एक दो लेंगे और दो लेंगे तो देखिए उसी वाले में डाल करके ऐसे यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे इस तरीके से ये देखिए फिर यहाँ पे अब यहाँ पे एक भी चेन नहीं लेना है क्योंकि हमें थोड़ी दूरी पर बनानी है जब दूरी पर बनानी है तो हमें एक भी चेन नहीं लेना है दो स्किप करेंगे थर्ड वाले में बिना ऐसे ही चेन लिए ऐसे ही बना देंगे जिससे कि वी शेप बन जाएगा देखिए इस तरीके से ये देखिए वीशेप बना लिया हमने अब यहाँ पे दो लेंगे और इसी वाले में डाल करके डबल क्रोशेड कर लेंगे ये देखिए डबल क्रोशिया करेंगे ये देखिए इस तरीके से तो ये देखिए इस तरीके से हमने वी शेप में बनाया फिर आपको एक बार और दिखा देते हैं देखिए इस तरीके से है ना फिर क्या करेंगे यहाँ पे अब हमें दूर पे यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे हमें फंदा नहीं लेना है कोई भी चेन नहीं लेना है दो चेन छोड़ के थर्ड वाले पे यहाँ पे हमको देखिए डबल क्रोशेट करना है ऐसे कर लिया हमने फिर देखिए यहाँ पे दो चेन लेंगे और फिर इसी में डाल करके यहाँ पे ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे तो इसी तरीके से करते हुए हमको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है सेम ये प्रोसेस का पूरा ये जहाँ तक चेन है ना वहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट करना है तो आपको हम थोड़ा बना करके कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं देखिए हमने ये बना करके कंप्लीट कर लिया देखिए कितना बड़ा बना है ये देखिए इतना बड़ा रोज़ भी बड़ा बन करके कम्प्लीट होगा ये देखिए इस तरीके से इतना लंबा बना है इतना लंबा ये देखिए हंड्रेड फंट डाले थे हमने हंड्रेड चेन ली थी और हंड्रेड चेन में देखिए बीच बीच में दो दो हमने चेन को स्किप किया है थर्ड वाले में डाल करके बनाया है ठीक है और ऊपर से एक भी चेन नहीं बढ़ाना है बस बनाते हुए चले जाना है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अब देखिए आगे हमें क्या करना है अब यहाँ से हम इधर टर्न हो जाएंगे एक चेन लेंगे और इधर टर्न हो जाएंगे ठीक है और जी फर्स्ट वाला है ना इसमें डालेंगे ऐसे यहाँ पर हम देखिए एक दो और एक तीन चेन लेते हैं और उसके बाद से यहाँ पे हम डबल क्रोचेट करेंगे ऐसे एक हो गया दो तीन चार हो गया चार पाँच सात देखिए सात और एक ये आठ आठ नौ दस जिस तरह जितना आप बनाना चाहते हैं देखिए इसमें कवर हो गया ना इतने में आठ एक और बना लेते हैं नौ इस तरीके से बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे जो हमारा वी शेप उल्टा है ना ये देखिए उल्टा वाला ये देखिए एक सीधे वाले में जो फैला है इधर का हम उसमें हमने बनाया है और जो वी शेप देखिए इधर से उल्टा दिख रहा होगा आपको इधर से देखिए वी उल्टा है इस वाले में स्लिप नॉट लगा के इसको ज्वाइंट कर देंगे ये देखिए इस तरीके से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे फिर क्या करना है यहाँ पे इस वाले में डाल के स्लिप नॉट करके ऐसे धागे को खींच लीजिए या फिर यहाँ पे आप चेन ले लीजिए ठीक है तो देखिए इस तरीके से चेन ले लीजिए और फिर यहाँ बनाना स्टार्ट कर दीजिए एक और पंखुड़ी तैयार करेंगे इस तरीके से बना करके डबल क्रोचेट करेंगे ये देखिए सारे सारा जितना भी हमारा ये है ना वी शेप का सबको इसी तरीके से हमें कवर करना है पूरा बनाते हुए चले जाना है ये देखिए कितना बना लिया हमने एक दो तीन चार पाँच छ छ हो गया सात आठ नौ देखिए और एक दस दस बना लिए हमने ना फिर यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे ठीक है इसी जगह पे यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद फिर यहाँ स्लिप नॉट लगाए फिर नेक्स्ट वाले में डाल के ऐसे यहाँ पे आप चेन लीजिए धागे को कैसे खींच करके इस तरीके से हम पंखुड़ियाँ बनाएंगे ये देखिए इस तरीके से पंखुड़ी बनाएंगे फिर यहाँ भी चेन ही ले लेते हैं ऐसे और उसके बाद से फिर धागे को खींच करके यहाँ पे हम बनाते हैं डबल क्रोचिड करते हैं दस टाइम टेन टाइम्स करना है आप जितना मन हो उतना करिएगा कोई वो नहीं कि जितना हम बना रहे उतना ही छोटा बड़ा ज़्यादा कम हो सकता है ये देखिए इस तरीके से पूरा हमको कवर करना है देखिए यहाँ पर हमने कितना बना दिया एक दो तीन चार पाँच पाँच बन गया पाँच पाँच हो गया छः भी हो गया इसी तरीके से हमको ये पूरा करना है छ सात आठ नौ और ये दस दस बनाने के बाद फिर स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर पंखुड़ी बनाएंगे यही प्रोसेस करते हुए हमें यहाँ तक लास्ट तक बनाते हुए चले जाना है ये यह देखिए यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे, इस तरीके से और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे तो ये देखिए इतना हमको ये पूरा कवर करना है सेम ऐसे ही जिस तरीके से हमने इसको बनाया है तो हम पूरा आपको बना करके फिर दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड्स इतना बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है ये देखिए इतना बन, बड़ा जितना फंदा था उसका सारा हमने पंखुड़ी बना लिया ठीक है देखिए कितना ईजी भी कितना सिंपल ये देखिए इतना बड़ा हमने देखिए कितना बड़ा बनाया है ये देखिए इतना बड़ा बना लिया हमने इसको अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे धागे को कट कर देंगे ठीक है यहाँ पे देखिए लास्ट में ला करके यहाँ धागे को ऐसे कट कर देंगे और देखिए इसको ऐसे कट कर देंगे तोड़ के निकाल देंगे इस तरीके से अब इसको हम स्टिच करेंगे देखिए किस तरीके से स्टिच करेंगे इसको ऐसे है ना ये देखिए ये उल्टा साइड है वैसे मालूम चल जा रहा है देखिए और ये हमारा सीधा साइड है ठीक है तो सीधे साइड से ही इसको ऐसे करेंगे और इस तरीके से हमने कहा था ना आपसे कि बड़ा रोज बना के हम कंप्लीट करेंगे तो सेम वही देखिए प्रोसेस है ऐसे इसको स्टिच करेंगे निडल से भी निडल में हम थ्रेड डालेंगे और आपको स्टिच करना भी बताएंगे किस तरीके से इसको हम स्टिच करेंगे ये देखिए इस तरीके से बहुत बड़ा सा रोज़ बन करके तैयार होगा ये देखिए इस तरीके से आप चाहें इस तरीके से आप जितना बड़ा जितना छोटा जो आपका मन हो वैसा आप रोज़ बना करके कम्प्लीट कर सकते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए तो इसको हम स्टिच करना बताते हैं निडिल में रेड कलर का थ्रेड डालते हैं फिर इसको बताते हैं कि किस तरीके से इसको स्टिच किया जाएगा ठीक है ये देखिए इस तरीके से देखिए हमने थ्रेड डाल रखा है ये देखिए रेड कलर का इस तरीके से निडिल में अब देखिए यहाँ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे ठीक है जहाँ से लास्ट के पंख नहीं ना फर्स्ट वाली जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसको ऐसे इसको ऐसे बीच में करेंगे ठीक और आप चाहें तो इसको इस तरीके से देखिए दो दो पंखुड़ी इस तरीके से थोड़ा फैलाते हुए ठीक है थोड़ा सा फैलाते हुए थोड़ी दूरी पर इसको रखते हुए ऐसे स्टिच करेंगे जिससे कि सारी पंखुड़ियाँ आसानी से इस तरीके से स्टिच हो ये देखिए इस तरीके से स्टिच करते हुए जाना है तो चलिए आपको स्टिच करने का तरीका बता दें ये देखिए रोज़ को इस तरीके से हमने इस तरीके से फोल्ड किया इस तरीके से देखिए इसको ऊपर रखेंगे ऐसे ये पंखुड़ी ऊपर आ जाएगी इसको थ्रेड को नीचे करेंगे और इधर टर्न हो जाएंगे उल्टे साइड में ठीक है ऐसे और यहाँ से हमने गांठ लगा रखा है ऐसे स्टिच करेंगे ऐसे इस तरीके से राउंड शेप में देते हुए ऐसे इसको हम स्टिच करते हुए जाएंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाते हुए ये देखिए इस तरीके से इसको कट करेंगे बाद में ऐसे राउंड शेप देते हुए थोड़ी दूरी बनाते हुए ये देखिए तो इस तरीके से बनाते हुए हम आपको दिखाते हैं स्टिच करते हुए ऐसे देखिए इस तरीके से ऐसे राउंड शेप में ऐसे इस तरीके से कि जिस त, जिस कलर का रोज़ बनाया हो आपने उसी कलर के थ्रेड से स्टिच करिएगा तो थ्रेड दिखेगा नहीं वरना और लगता है अच्छा नहीं लगता है दूसरा कलर दिखने लगता है फिर देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे इधर से इसका शेप देखिए ऐसे ये यह देखिए यहाँ पे मोती लगा दीजिए मोती को टक्कर देंगे ऐसे यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से राउंड शेप करते हुए पूरा राउंड शेप बस ये याद रखिए कि ये पंखुड़ी अलग दिखे और ये सारी पंखुड़ियाँ मतलब हमें दिखनी चाहिए इस तरीके से स्टिच करेंगे इस तरीके से ये नहीं कि पंखुड़ी सब अंदर अंदर इस तरीके से नहीं फैलाते हुए जैसे हमने आपको बताया स्टिच करने का तरीका कि फैलाते हुए जाना है इस तरीके से राउंड शेप करते हुए चले जाना है ठीक है तो पहले इतना राउंड शेप करके इसको स्टिच कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से थोड़ा दूरी बनाते हुए ऐसे ताकि ये पंखुड़ियाँ अलग से इस तरीके से दिखनी चाहिए ठीक है तो इस तरीके से करते हुए यहाँ पे इनको स्टिच करेंगे इस तरीके से बहुत इजी वे है और देखिए बहुत जल्दी जितने भी रोज़ आप चाहें बना सकते हैं छोटे बड़े जैसा आपका मन हो वैसा बना करके कंप्लीट कर सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फिर इसको स्टिच करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से फिर यहाँ पीछे स्टिच करेंगे ऐसे फिर यहाँ पे यहाँ स्टिच करेंगे इस तरीके से राउंड बाय राउंड करते हुए राउंड शेप करते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे इसको तो पूरा आपको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं इसका लुक ये देखिए इतना हमने स्टिच कर लिया पूरा राउंड शेप में ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा उल्टा साइड है ये देखिए स्टिच कर लिया थोड़ा सा इतना ही बाकी है इसको भी यहाँ पे हम ऐसे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से ये देखिए ऐसे सिंपल जिस तरीके से स्टिच करते हैं वैसे स्टिच करेंगे इस धागे को आप चाहिए तो इधर ला के यहाँ मोड़ करके इसको भी स्टिच कर देंगे और बाद में इसको हम कट कर देंगे ये देखिए इसको बाद में हम कट करेंगे ठीक है तो ये देखिए इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया इसको और इसको इधर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना बड़ा रोज बन करके ये कंप्लीट हो गया है और कितना इजी वे था बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी तो हम इस धागे को कट करके फिर दिखाते हैं आपको ये देखिए हमने धागे को देखिए कट कर दिया है ये देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है अब आप चाहे तो बीच में यहाँ पे व्हाइट कलर की मोती टक कर सकते हैं कोई सी भी जो मोती आपके पास हो वो इसमें टक करिए और या तो फिर आप इसमें देखिए इस तरीके से मेरे पास एक थर्मा की गोली थी ना ये देखिए इस तरीके की इसमें हम इसको ऐसे यहाँ पे फेविक से या फेविकोल से चिपका देंगे देखिए कितना खूबसूरत ये रोज़ हमारा बन करके कंप्लीट हुआ है ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये रोज़ हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है इस तरीके से ये देखिए ठीक है तो इस तरीके से हम जितना बड़ा उतना बड़ा देखिए रोज़ बना सकते हैं देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए एकदम लग रहा है ओरिजिनल है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है देखिए कितना खूबसूरत बनकर के रोज़ कम्प्लीट हुआ है देखिए इस तरीके से तो इसको हम आपको एक थल पोज के ऊपर रख करके दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा लगता है क्योंकि इसको हमको बीच में रखना है इसके लिए हमने इसको बनाया है तो आपको उस पर रख करके इसको फिर दिखाते हैं ठीक है देखिए हमने इस, इस इसको लिया ना ये थालपूस जो है इसके बीचों बीच में हमको इसको रखना है देखिए इसी के बीचों बीच में हमें रखना है ये देखिए और फिर इसको यहाँ पे हम फ्लावर को टक करेंगे देखिए कितना खूबसूरत लुक है इसका इसके बाद अभी हमें इसके एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पार्ट्स बनाने हैं यानी कि आठ पार्ट बनाने हैं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात है ना तो इसके हमको उतने पार्ट्स बनाने हैं और फिर वहाँ बीच में फ्लावर को टक करेंगे और साइड साइड में हमको यहाँ पे बत्तख को ज्वाइंट करना देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये इस तरीके से थलपूस का डिज़ाइन आप सिंपल ऐसा भी बड़ा सा ये चाहे तो बड़ा थलपूस बना सकते हैं और उसमें फ्लावर को टक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये देखिए ऐसे आप करके इसको बना के कंप्लीट कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर थैंक यू